Hello, this is Engineer Abdul Rahman and you are watching Electrical Engineering with AR. Our today's topic is potential distribution over suspension insulator string. अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इंसुलेटर की टाइप्स के बारे में देखा और सेफ्टी फैक्टर के बारे में देखा. टाइप्स में हमने सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया. सस्पेंशन इंसुलेटर में हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है जिसमें पोर्सलेन डिस्क सीरीज में जुड़ी होती हैं थ्रू मेटेलिक लिंक. एक मेटल की पिन के साथ ये डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और स्ट्रिंग का एक एंड हम कंडक्टर के साथ अटैच करते हैं और दूसरा एंड पोल के साथ अटैच करते हैं. तो सबसे अहम बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि याद रखने वाला है, वो ये है कि इन डिस्क के ऊपर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होती. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस हर डिस्क पर एक जैसी नहीं होती. जो कंडक्टर के करीब है डिस्क, उस पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ज़्यादा होगी. जो कंडक्टर से दूर है, दूसरे नंबर पर है, उससे पहले नंबर की निस्बत कम होगी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस. और जो सबसे दूर है, तीसरे नंबर पर है, उस पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस सबसे कम होगी. जैसा कि इस फिगर में सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की एक स्ट्रिंग दिखाई गई है जिसमें हमारे पास 8 डिस्क इस्तेमाल हुई हैं. उसका एक एंड हम कंडक्टर के साथ अटैच है और दूसरा एंड एक पिन की मदद से पोल के साथ अटैच है. तो इन डिस्क के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल स्ट्रेस एक जैसी नहीं होती. ये वाली डिस्क हमारे पास कंडक्टर के ज़्यादा करीब है तो इस पर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ज़्यादा होगी. और ये डिस्क कंडक्टर से दूर है पहले डिस्क की निस्बत, तो इस पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम होगी एज़ कम्पेयर टू नियरेस्ट डिस्क. जैसे ही हम इस तरफ मूव करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम होती जाएगी डिस्क के ऊपर. और जो डिस्क सबसे ज़्यादा दूर है कंडक्टर के, उस पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस सबसे कम होगी. तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी वजह क्या है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अक्सर इंटरव्यूज़ में और पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है. स्ट्रिंग में हमारे पास दो किस्म की कैपेसिटेंस होती हैं, एक म्यूचुअल कैपेसिटेंस जिसको हम सेल्फ कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, और एक होती है शंट कैपेसिटेंस. तो हम देखते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस कौन सी होती है. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास पोर्सलेन डिस्क मेटेलिक लिंक के थ्रू जुड़ी होती हैं, तो एक डिस्क की दोनों जानब हमारे पास मेटल पिन्स होती हैं. तो इन दोनों पिन्स के दरमियान एक कैपेसिटर बन जाता है. फॉर एग्जांपल देखें, कैपेसिटर बनने के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं और एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल चाहिए होता है. तो हमारी जो दोनों पिन्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स का काम करती हैं क्योंकि वो मेटल की बनी हुई हैं. जो एयर है हमारी, वो डाइइलेक्ट्रिक का काम करती है. तो हमारा कैपेसिटर बन जाता है बिटवीन टू पिन्स ऑफ डिस्क. इसको बोलते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस या सेल्फ कैपेसिटेंस. तो इसको एक फिगर की मदद से हम समझते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं. ये हमारे पास टावर है और ये नीचे से कंडक्टर गुजर रहा है. अब जैसा कि हमने देखा था कि जो करीब तरीन पोर्सलेन डिस्क होगी उस पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होगी, और जो दूर होगी दूसरे नंबर पर उससे कम होगी एज़ कम्पेयर टू वो वाली डिस्क जो करीब तरीन है और इस पर सबसे कम होगी क्योंकि ये कंडक्टर से सबसे ज़्यादा दूर है. तो हम कह सकते हैं V1 सबसे छोटा है, V2 V1 से बड़ा है और V3 सबसे बड़ा है. तो यही एक कंसेप्ट है कि जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है, वो हर डिस्क पर सेम नहीं होती. तो आइए हम देखते हैं कि म्यूचुअल कैपेसिटेंस या सेल्फ कैपेसिटेंस कैसे बनती है. जैसा कि हमने देखा था कि ये डिस्क एक दूसरे के साथ मेटेलिक लिंक के साथ जुड़ी होती हैं, एक ये मेटेलिक लिंक और ये. तो इन मेटेलिक लिंक्स में एक कैपेसिटर बन जाता है. इन मेटेलिक लिंक्स में भी एक कैपेसिटर बन जाएगा और इसी तरह इस मेटेलिक लिंक में भी एक कैपेसिटर बन जाएगा. तो ये कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, इसको सेल्फ कैपेसिटेंस कहते हैं, म्यूचुअल कैपेसिटेंस कहते हैं. अपने स्टूडेंट दौर में हमारे पास ये याद रखना मुश्किल था, तो हम इसको पर्सनल कैपेसिटेंस भी बोला करते थे कि ये डिस्क की पर्सनल कैपेसिटेंस होती है, कि उसकी अपनी जो मेटेलिक लिंक होते हैं उसकी वजह से कैपेसिटेंस जो प्रोड्यूस होती है उसको म्यूचुअल या सेल्फ कैपेसिटेंस बोलते हैं. तो इधर एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्मली पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है वो म्यूचुअल या सेल्फ कैपेसिटेंस की वजह से नहीं होता. अगर हमारे पास म्यूचुअल कैपेसिटेंस हो भी तो हमारा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा वो सेम ही रहता है.
तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली नहीं होने देती? वो है शंट कैपेसिटेंस। ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसकी वजह से, क्या वजह है कि डिस्क के ऊपर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं होती? तो उसकी वजह शंट कैपेसिटेंस है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस नहीं है। जैसा कि इधर मेंशन है, इफ देयर वर म्यूचुअल कैपेसिटेंस अलोन देन चार्जिंग करंट वुड हैव बीन द सेम थ्रू ऑल डिस्क एंड कंसिक्वेंटली वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट वुड हैव बीन द सेम। कि हमारे पास म्यूचुअल कैपेसिटेंस हो भी तो वोल्टेज और करंट थ्रू आउट सेम रहता है, लेकिन शंट कैपेसिटेंस की वजह से हमारे पास पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं होती, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस डिफरेंट हो जाती है हर डिस्क के ऊपर। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हर डिस्क को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया गया है जो कि उसकी म्यूचुअल सेल्फ कैपेसिटेंस है, और वोल्टेज यूनिफॉर्मली डिवाइड हैं क्योंकि अभी शंट कैपेसिटेंस नहीं मेंशन की हुई। हमारे पास करंट भी आए है जो वो यूनिफॉर्मली जा रहा है, थ्रू आउट सेम है। तो इस फिगर में हमारे पास शंट कैपेसिटेंस दिखाई गई है। तो आइए हम देखते हैं शंट कैपेसिटेंस कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे जनरेट होती है। वो वाली कैपेसिटेंस जो कि मेटल की पिन और टावर या अर्थ के दरमियान प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, उसको बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि वो वाली कैपेसिटेंस जो कि अर्थ या टावर और डिस्क की पिन के दरमियान जनरेट होती है, उसको बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस। कि हमारे पास एक कैपेसिटर बन जाता है बिटवीन अर्थ या टावर और पोर्सिलेन डिस्क की पिन के दरमियान, तो वो बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस। जैसा कि इधर मेंशन है, हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस कैपेसिटेंस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन मेटल फिटिंग ऑफ ईच डिस्क एंड टावर और अर्थ। ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस चार्जिंग करंट इज नॉट द सेम थ्रू ऑल द डिस्क। जैसा कि हमने पहले देखा कि शंट कैपेसिटेंस की वजह से हमारे पास करंट थ्रू आउट सेम नहीं रहता और वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क विल बी डिफरेंट, कि हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क डिफरेंट हो जाएंगे। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास म्यूचुअल कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस दिखाई गई है, और ये हमारे पास शंट कैपेसिटेंस हैं जो कि टावर और पोर्सलेन डिस्क के थ्रू बन रही हैं। तो इस फिगर में हम ये साफ देख सकते हैं कि V1, V2 और V3 डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। हमारे पास वोल्टेज स्ट्रेस सेम डिवाइड नहीं हो रही, और हमारे पास जो करंट है वो भी I1, I2 और I3 हो गया है। हमारे पास करंट भी चेंज हो रहा है ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रिगार्डिंग टू पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एट सेटरिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर, जो कि पेपर की और इंटरव्यू की नुकता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले नंबर पर है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, द वोल्टेज इम्प्रेस्ड ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिविजुअल डिस्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शंट कैपेसिटेंस। कि हमारे पास वोल्टेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते ऑन ईच डिस्क ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस। शंट कैपेसिटेंस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक स्ट्रेस हर डिस्क के ऊपर डिफरेंट होती है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास, डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर हैज मैक्सिमम वोल्टेज स्ट्रेस एज वी मूव टूवर्ड द अक्रॉस और द वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क गोज ऑन डिक्रीजिंग। कि हमारे पास जो डिस्क कंडक्टर के करीब तरीन होती है उस पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होती है, और जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर मूव करते जाते हैं इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस डिस्क पर कम होती जाती है। जो डिस्क कंडक्टर से सबसे दूर होती है उस पर सबसे कम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होती है, और जो सबसे करीब होती है उस पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास, द यूनिट नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज अंडर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस एंड इज लाइकली टू बी पंक्चर्ड। कि हमारे पास जो सबसे करीब डिस्क होती है कंडक्टर के, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस पे होती है और ख़तरा होता है कि वो पंक्चर्ड हो जाए। पंक्चर्ड क्या होता है, हमने सेफ्टी फैक्टर वाली वीडियो में बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया था कि इससे हमारा इंसुलेटर डैमेज हो जाता है, इससे हमारी डिस्क बिल्कुल डैमेज हो जाती है। कि ये ख़तरा होता है कि जो करीब तरीन डिस्क है कंडक्टर की वो जल्दी डैमेज हो जाएगी। तो हमें ज़रूरत है कि हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली करें, इक्वलाइज करें, कि हर डिस्क पर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इक्वल हो। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में कि हम किस तरह अपने स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। चौथे नंबर पर है, इफ़ द वोल्टेज इम्प्रेस्ड अक्रॉस द स्ट्रिंग वर डीसी द वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट वुड बी द सेम
इट इज़ बिकॉज इंसुलेटर कैपेसिटेंस आर इनअफेक्टिव फॉर डीसी, कि हमारे पास ये शंट कैपेसिटेंस इन एसी केस होती है, डीसी में कोई कैपेसिटर नहीं बनता, कोई कैपेसिटेंस नहीं होती, तो हमारे पास जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो यूनिफॉर्मली होती है ऑन ईच डिस्क। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, कैपेसिटर डीसी को पास ही नहीं करने देता, कैपेसिटर का डीसी का कोई लेना देना नहीं है, तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में या डीसी ट्रांसमिशन के केस में हमारे पास कोई कैपेसिटर नहीं बनता, कोई कैपेसिटेंस जनरेट नहीं होती, तो हमारे पास यूनिफॉर्मली हमारे वोल्टेज स्ट्रेस डिवाइड होता है। इस वीडियो में हमने देखा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर स्ट्रिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में, कि वो क्या होती है और इसको कैसे इंप्रूव करते हैं। बिफोर एंडिंग द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अपडेट।